नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने WIR स्टडी पॉइंट चैनल पे। आज अपने बात करेंगे आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जैसे ही वीडियो ख़त्म होगा इसके बाद में इस वीडियो की जो PDF है वो अगर आपको डाउनलोड करनी है तो अपना टेलीग्राम ग्रुप है वो है WIR स्टडी पॉइंट, तो उसे ज्वाइन कर लें। उसका लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज के जो करंट अफेयर है पंक्ति वाइज 16 दिसंबर 2020 के, तो उनके बारे में अपने बात करेंगे। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन कि डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो नियुक्त किया है, तो वो किया है अक्षय कुमार को। जो डाबर इंडिया लिमिटेड है उसने, अक्षय कुमार है वो बॉलीवुड स्टार है, उसे च्यवनप्राश जो ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आगे अपने बात करें किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, तो वो होगा गुजरात ने। दोबारा देखते हैं किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण है, जो ऑनलाइन पंजीकरण है वो आपको करवाना होगा अगर आप शादी कर रहे हो, तो वो अनिवार्य कर दिया है गुजरात ने। गुजरात के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी गांधीनगर, ठीक है। आगे और बात करें गुजरात की जो सीमा है वो राजस्थान से भी लगती है, राजस्थान का जो निचला हिस्सा है इतना, उसकी जो सीमा लगती है वो लगती है 1024 किलोमीटर। आगे अपनी बात करें ये अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है। दोबारा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो वो 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 10 दिसंबर को क्या था, 10 दिसंबर को अपना जो संसद भवन है, संसद भवन उसका शिलान्यास हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। आगे अपनी बात करते हैं ये किस देश ने सीरम इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कौन से देश ने किए हैं, वो किए हैं बांग्लादेश ने, ठीक है। दोबारा देखते हैं किस देश ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के साथ समझौते पे हस्ताक्षर किए हैं, तो वो किए हैं बांग्लादेश ने। आगे अपनी बात करते हैं ये आपकी स्क्रीन पे कि इजराइल ने किस देश के साथ जो रजनिक संबंध है वो स्थापित किए हैं। दोबारा देखते हैं इजराइल ने किस देश के साथ राजनयिक संबंध है वो स्थापित किए हैं, तो वो किए हैं भूटान के साथ। भूटान के बारे में देखते हैं, भूटान की राजधानी थिम्पू है। भूटान है वो तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है, उसकी एक ही सीमा है जो चीन से लगती है और तीनों तरफ से भारत से घिरा हुआ है। वैसे देखें तो ये है बफर स्टेट किसे कहते हैं, जैसे कोई देश हो, दो देश हो, उस देश दो जैसे बड़े देश हो उन दोनों देशों के बीच में कोई छोटा देश फंस जाए, मतलब कि जैसे जो रूस है और चाइना है, ठीक है, उन दोनों के बीच में मंगोलिया है स्थित है, वो एक बफर स्टेट है, सबसे बड़ा बफर स्टेट मंगोलिया ही है, ठीक है। तो उसकी सीमा ना कोई जल से लगती है, ठीक है, तो उसकी दोनों तरफ है वो बड़े बड़े देश है। आगे अपनी बात करते हैं ये कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उडुपी में निधन हो गया, तो वो कौन थे। दोबारा देखते हैं
कर्नाटक के किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की उम्र में उडुपी में निधन हो गया? तो वो कौन थे? वो थे बंजय गोविंदाचार्य। कौन थे? बंजय गोविंदाचार्य, जिनका कर्नाटक के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे और जिनका निधन हो गया। कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक भारत का जो दक्षिणी भाग है उसमें स्थित है। यहाँ पे कर्नाटक की जो राजधानी है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है बेंगलुरु। ठीक है, आगे अपनी बात करते हैं। कर्नाटक की जैसे सीमा की बात कर लें तो कर्नाटक की सीमा है वो केरल से और तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश तेलंगाना इनसे लगती है। ठीक है, ऊपर जो महाराष्ट्र है उससे भी सीमा लगती है। आगे अपनी बात करते हैं। ये हाल ही में किस देश की सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गॉड ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया है? दोबारा देखते हैं। हाल ही में किस देश की सेना ने सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गॉड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो वो किया है सऊदी अरब ने। इसकी बारे में बात कर लेते हैं। रियाद जो इसकी राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। ठीक है, आगे अपनी बात कर लेते हैं। वह देश जिसने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है, तो वो अमेरिका है। दोबारा देखते हैं। वह देश जिसने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, तो वो कौन सा देश है? अमेरिका। आगे अपनी बात करते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाई गई लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? दोबारा देखते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाई गई लॉकडाउन की वजह से इस साल जो कार्बन डाई के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट की गई है? तो वो की गई है 7%। आगे अपने बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनाकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? दोबारा देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? तो वो लगा दी है महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र भारत का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे स्थित है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में और देखते हैं तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ये भारत की जो वस्त्र राजधानी है वो भी कहते हैं इसे। आगे अपनी बात करते हैं। ये होगी है आपकी क्लास, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, लास्ट में कमेंट करें। मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन ऑफ द डे, तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में टायर पार्क, क्या हाल ही में टायर पार्क किस राज्य ने स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। दोबारा बोल देता हूँ मैं, हाल ही में जो टायर पार्क है वो किस राज्य सरकार ने स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन आपके लिए होंगे कि बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल, या हरियाणा, या पंजाब, या होगा राजस्थान। तो आपको इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताना है। चलो फिर मिलते हैं कल।